यस बेटा, तो प्रीवियस वीडियो में हमने 2.1 टेबल पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रकार से बीमारियों को जन्म देते हैं, कि नहीं? यस, आगे देखते हैं बेटा, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, यानी बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज होती हैं किसमें, एनिमल्स में. ओके, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रा इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम. यस, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिर्फ ह्यूमंस और प्लांट्स में ही नहीं, ये एनिमल्स में भी तरह तरह की बीमारियों को बढ़ाते हैं. जैसे एंथ्रा एक बीमारी है डेंजरस, जो ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम, जो कि बैक्टीरियम के द्वारा कॉज होती है. ठीक है, फूट एंड माउथ डिजीज कैटल इज कॉज बाय द वायरस. तो फूट और माउथ डिजीज है ना, ये किसके द्वारा कॉज होती है कैटल्स में? यस, वायरस के द्वारा. ठीक है बेटा, तो इस प्रकार आपने देखा कि जो बैक्टीरिया सिर्फ ह्यूमंस और प्लांट्स ही नहीं, जो एनिमल्स हैं उनमें भी तरह तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं. ओके, आगे देखिए बेटा, डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लांट्स में किस प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं. अब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स, है ना. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये प्लांट्स जो हैं जैसे वीट है, राइस है, पोटैटो, शुगर केन, इन सब में भी तरह तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं. द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, और ये जब बीमारियां हो जाती हैं तो उसके उत्पादन में उसमें कमी आ जाती है. सी टेबल 2.2. अभी हम आगे देखेंगे टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट्स डिजीज. कुछ प्लांट्स डिजीजेस के बारे में हम जानेंगे. दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स, और इससे बचने के लिए कुछ केमिकल्स का हम यूज़ कर सकते हैं जो कि माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं. ओके, ये देखिए बेटा, टेबल 2.2 है, सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये क्या है, सम कॉमन प्लांट डिजीजेस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा बढ़ती है. ओके, प्लांट डिजीजेस, साइट्रस कैंकर है, ओके, बैक्टीरिया के द्वारा, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर. रस्ट ऑफ व्हीट फंगाई है, ओके, फंगाई के द्वारा, और किसके ट्रांसमिट होता है ये, एयर और सीड्स के द्वारा. ओके, येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी ओकरा, वायरस और इंसेक्ट के द्वारा ये फैलता है. ओके बेटा, यस, तो ये जो टेबल है बेटा ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, और सेम बेटा ये जो टेबल है ये 2.1 ये भी आपको कॉपी में, आपको फेयर कॉपी में करना है. ओके, यस, आगे देखिए बेटा, फूड पॉइजनिंग. बूचू वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ. बूझू को इन्वाइट किया गया अपने फ्रेंड के द्वारा एक पार्टी में, और वहाँ पे ढेर सारे तरह तरह के फूड है ना वो खाए गए. ऑन रीचिंग होम द स्टार्टेड वोमिटिंग एंड हैड टू टेकन इन द हॉस्पिटल. और जैसे वो घर पहुँचे उनको क्या, वोमिटिंग शुरू हो गई, और उनको तुरंत कहाँ ले जाया गया, यस, हॉस्पिटल. द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग. और डॉक्टर ने क्या बताया, ये कंडीशन क्यों हुई है, यस, फूड पॉइजनिंग की वजह से. पहली, वंडर्स हाउ फूड कैन बी बिकम अ पॉइजन. अब पहली सोचते किस प्रकार से जो खाना है वो पॉइजन बन सकता है. फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यस, फूड पॉइजनिंग होता क्यों है, कभी कभी क्या होता है, जो फूड होते हैं बेटा वो स्पॉइल हो जाते हैं किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ख़राब कर दिए जाते हैं. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड सबटाइप प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस. और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे क्या करते हैं जी, हमारे जो फूड आइटम्स हैं बेटा उनमें वो ग्रो कर जाते हैं और उस पर टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं. ओके, दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. और इस प्रकार के जो पॉइजनस फूड पॉइजनस है वो क्या कर सकते हैं, गंभीर बीमारी और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है इससे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बींग स्पॉइल्ड. और इसलिए हमें हमेशा जो खाद्य पदार्थ है उनको अच्छे से प्रिजर्वेट
करके रखना चाहिए ताकि वो स्पॉइल होने से बचे। ओके बेटा, यस। 2.5 फूड प्रिजर्वेशन। अब हम फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हमने पढ़ा ना फर्स्ट चैप्टर में कि किस प्रकार से जो फूड है ना, ग्रेन्स हैं, उनको किस प्रकार से प्रिजर्व और स्टोर करके रखना चाहिए। ये चीज़ें हमने पढ़ी। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। अभी आपने ग्रेन्स के बारे में पढ़ा, अब हम देखें किस प्रकार जो पका हुआ खाना वो किस प्रकार से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ओके बेटा, तो हमने यहाँ तक पढ़ा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। बेटा इसके साथ कुछ क्वेश्चन है जो मैं दे रही हूँ जो आपको करना है। यस बेटा, एक क्वेश्चन है, राइट 5 ह्यूमन डिजीजेज कॉजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, सेकेंड राइट सम प्लांट डिजीजेज कॉजिंग बाय ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, थर्ड हाउ कैन फूड बिकम अ पॉइजन और फूड पॉइजनिंग। ये क्वेश्चन है जो आपको करके मुझको भेजना है, व्हाट्सएप करना है। ठीक है बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे।